इतने सारे इसके मोड्स भी दिखाता हूँ भाई, ये देखो, चेक ये दिस कंफर्टेबल आउट। मोड्स, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी मोड्स। एंड्रॉयड फ़ोन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, टच का रिस्पॉन्स इज फिनोमिनल। अगेन लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई ये आप लोगों के ये सामने, वेरी नाइस। सो वेलकम बैक टू अ चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। एक और नई वीडियो में हम लोग आज आप लोगों को ऐसा कहते हैं ना, इनोवेटिव चीज दिखाने वाले हैं जिसके लिए हाइपरसोनिक जाना माना जाता है। मेरे साथ है दिलीप भैया। क्या हाल चाल दिलीप हाय, भैया? बढ़िया भैया। ठीक है भाई। तो दिलीप भाई जो है वो हमारे हर, मतलब मैं बोलूंगा चाहे कोई छोटी गाड़ी हो चाहे लग्जरी गाड़ी हो, भैया का हर जगह इनपुट होता ही होता है। और पर्सनली भाई मेरी गाड़ियों में तो हर जगह भैया का इनपुट होता है, चाहे हमने 2017-18 में जो पहली गाड़ी करी थी या फिर करंट में हो, आज भी हो। सारी भैया ने जो है मेरी गाड़ी में पूरी इंस्टॉलेशन करी है। अब आप बोलोगे आज क्या हटके होने वाला है, तो दिलीप भाई आज क्या प्लानिंग है? आज हम कुछ दिखाएंगे अपने लग्जरी गाड़ियों का वेयर हाउस, वेयर हाउस दिखाएंगे। जहाँ लग्जरी गाड़ियों के एंड्रॉयड क्लस्टर, आपका एसी पैनल, उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के स्टीरियोस। बिल्कुल भाई, मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा, मार्केट में आप जितने भी देख रहे हो कि भैया देखो हमने एसी वेंट लगा दिया, मतलब जैसे बोलते नहीं वो आजकल वो एएमजी स्टाइल एसी वेंट लगा दिया, हम ओरिजिनल वाली चीजें आपको, स्टेयरिंग प्रॉपर देंगे, एसी वाला कंसोल देंगे। और आप पीछे सोच रहे होंगे यार भैया यहाँ थोड़ी सफाई सी नहीं लग रही, यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, लेकिन आप टेंशन मत लेना, आप लोग लेना, हमारे पास चारों तरफ जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं और ये हमारा वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस जो है वो अच्छे से अंदर से संभाला होता है। तो भैया श्री गणेश करते हैं, आप लोगों को हम पहली बार अपने वेयर हाउस की तरफ लेके आ रहे हैं। ये लग्जरी, थोड़ी सी आवाज़ आपको आगे होगी, एक शटर जिस तरीके से आवाज़ करता है उतना हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दिया है। आइए, हमारे तंजीत भैया जो है वो हमारी शूटिंग भी कर रहे हैं अभी, तो ये हमारा वेयर हाउस है। तो भैया वेयर हाउस में आपको हाइपरसोनिक के एक्सपीरियंस, हर चीज़ जहाँ आप नज़र मारोगे वहाँ पर आपको ज़बरदस्त प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर भैया ने जो है ना पूरा लग्जरी का गेम ऑन कर रखा है। आइए सर, आप लोगों को वेलकम करते हैं हम लोग हमारे लग्जरी पूरे कंसोल में। तो हमने आज लाइटिंग जो है वो हल्की सी डिम कर रखी है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट इतना है कि आपका माइंड ब्लो होने वाला है। थोड़ी नज़रें इधर लाना, रेंज रोवर 2014-17, उसके बाद सेंट्रल कंसोल पैनल, ठीक है भाई। और आपके भाई ने आज आप लोगों के लिए क्या तैयार किया ये देखना भाई, क्लाइमेट कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इसके बाद ओईएम स्क्रीन इनटू एंड्रॉइड स्क्रीन जो लग्जरी कार होता है, प्लस ठीक है भाई बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज के स्टीरियोस। तो भैया आज का हमने, जैसे ऑफकोर्स ही बात है लग्जरी गाड़ियां तो हमारे पास इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं तुम्हारा थोड़ा सा माइंड ब्लो कर दूं, इधर आओ, ये ना अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन मैं अभी पहले टीजर डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। भैया ऐसा ऐसा माल है ना हमारे पास, तुम्हारा दिल जो है ना वो दहल जाएगा। सीधा करके दिखा रहे भैया, देख लो, गैस कर लेना, पता नहीं रहा कौन सी गाड़ी का, ऊपर से बस ये पढ़ लो, ये इससे पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी का है। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि हम लोग कौन कौन से स्टेयरिंग व्हील जो है वो लग्जरी कार का करते हैं, कौन कौन सा, क्या यू नेम इट वी विल गिव यू द फुल सॉल्यूशन। अभी मैं भैया से जानना चाहूँगा, भैया आपने एक मज़राटी करी थी अभी एक रिसेंटली में, हमने एक मज़राटी रोल्स रॉयस थी, वो तो करी नहीं, एक मज़राटी 2018 में करके छोड़ दी हमने, 18 में कर दी थी। तो भाई जिस टाइम पे लॉकडाउन वाला टाइम आएगा, चल लॉकडाउन से जस्ट पहले, जस्ट पहले हमने एक मज़राटी करी थी और उसके बाद भाई जो है हमने रोल्स रॉयस आप लोगों को करके दिया। तो भैया आज कौन सी गाड़ी या कौन सी सीरीज को हम टच कर, आज मैं फोकस करना चाहूंगा F30 3 सीरीज के ऊपर, ठीक है। और उस 3 सीरीज में, उससे पहले की जनरेशन की जो गाड़ियां थी 3 सीरीज में, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, और टिल डेट अभी 3 सीरीज है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज इसमें छोटा जानना चाहूंगा सर, हम कौन से ईयर से कौन से ईयर तक पूरा गाइड करता हूँ, प्लीज आओ, हम इधर आते हैं, आ जाओ भाई। ये अपनी 3 सीरीज है, जैसे मान के चलो कस्टमर जो डैशबोर्ड ऊपर जो कटवाना नहीं चाहते, इस गाड़ी में ऑप्शन होता है, ठीक है, कि हम एक बड़ा स्टीरियो लगाएं 10 इंची का, ओके, और ऊपर उसके लिए डैशबोर्ड काटना पड़ता है और उसका ग्राफ आता है, वो सिस्टम भी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चाहते उसे काटना तो आप नीचे स्टीरियो लगाइए सर। भाई ये मतलब बेसिकली अगर इजी शब्दों में समझाऊं, वो सीडी वाली जगह होती है उसमें, सीडी वाली जगह हट जाएगी और उसकी जगह पे ये पैनल लग जाएगा और प्रॉपर फिटिंग दूंगा मैं उसकी। ये देखिए एसी पैनल की प्रॉपर फिटिंग है इसके अंदर, ये कोई लोहे कटिंग के नहीं, कुछ नहीं, सब पीछे? कुछ नहीं, जो नीचे जो एसी होता है ना पैनल, अच्छा। उसके पूरे अलग, ये मैनुअल के लिए या अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। अगर आपके पास मैनुअल वाली गाड़ी है तो उसके लिए यहाँ पर है ये प्लास्टिक वाला, और ये आप लोगों का ऑटोमेटिक। ये कौन से ईयर में आती थी भैया गाड़ी को? सर ये गाड़ी 2005 से लेकर 2012 के बीच में आई है और ये केरला और साउथ वाले एरिया में सब जगह गाड़ियां पड़ी है, तो आपके लिए सॉल्यूशन ऑफिशियली अवेलेबल है विथ वन ईयर वारंटी। ऐसा नहीं इंस्टॉल कर दिया फिर बोलोगे भैया हम तो घर चले गए अपने, अब ड्यूल नॉब वाला लगा लेना अपना। यार आजकल लोग क्या चल रहा है भैया, किसी भी गाड़ी में ड्यूल नॉब लगा दे रहे हैं, पूछो मत, गाड़ी का ओरिजिनल एम्पलीफायर बंद कर देते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल को एक नॉर्मल मार्केट में कैनवास मिल जाता है उससे चला लेते हैं, और ऑडियो बाईपास कर देते हैं। गाड़ी का ओरिजिनल फीचर बंद, ऑयल लेवल बंद,
कोई गाड़ी से रिलेटेड कोई फीचर नहीं मिलेगा भाई यार, प्लीज ऐसा मत करो भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा थ्री सीरीज का कह रहा है इसी गाड़ी के अंदर, जो ये गाड़ी आपने देखी है इसी के अंदर अगर कस्टमर चाहता है मुझे बड़ी स्क्रीन लगानी है, ठीक है, तो मैं बड़ी स्क्रीन भी दे सकता हूँ। अच्छा, बड़ी स्क्रीन का भी हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, इसके ऊपर कटआउट क्या है? प्रॉपर ग्राफ है डैशबोर्ड काटने का। अच्छा, ये डैशबोर्ड काटने का होता है, प्रॉपर ग्राफ है, ठीक है। जितने लोगों के पास है उनको समझ आ गया होगा ये क्यों काम आता है। कई सारे लोग कहते हैं मुझे स्क्रीन ऊपर लगी हुई चाहिए, क्योंकि उससे उससे अगली जनरेशन में आ गया था ऊपर स्क्रीन आ जाती है। ये देखो ये हो गया इसके पैनल, ठीक है भाई, मतलब हमने कटिंग करी उसके ऊपर ये पूरा क्लैंप टू क्लैंप जो है आप लोगों का फिटिंग आ गया। और इसके ऊपर नीचे जहाँ पे अपना कॉइन्स रखने की ट्रे होती है वहाँ पे हम जॉयस्टिक भी देते हैं, ठीक है भाई। आई ड्राइव जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली, है ना भाई, आई ड्राइव ये पूरा इसके साथ पैनलिंग आएगा, प्रॉपर आप इसे यूज कर सकते हो। और इसकी स्क्रीन दिखाया था, और भाई ये तुम्हें दिलीप भाई दिखा रहे हैं, दिलीप भाई इंस्टॉल करवाएंगे और हाइपरसोनिक ही अवेलेबल करा सकते हैं, और किसी कोई नहीं करा सकता भाई। ये बोलना मैं आता नहीं कि 15 दिन बाद आएगा, हम नहीं बोल सकते भाई, हमारे पास है अवेलेबल। यू नेम एनी कार, वी विल गेट इट फॉर यू। आप गाड़ी का नाम बोलो। लग रहा है, और क्या स्क्रीन साइज होता है सर? 10.25 इंचेस, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज विद एप्पल कारप्ले। भाई जस्टिस हो रहा है तंजीत, पूरा लाइटिंग परफेक्ट है भाई, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। और स्क्रीन साइज फिर से बताइए। 10.25, 464, क्वालकॉम 464 और 10 पॉइंट, यानी जितने अभी चल रही है करंट में ट्रेंडिंग वाली। वेरी नाइस यार, मजा आ गया भाई ये चीज देख के। और आपका प्यार मोहब्बत इतना रहता है कि हमारे फोन जो है वो 24 टाइम जो है बसते रहते हैं, क्योंकि आप लोग प्यार मोहब्बत इतना फैला के रखते हो। मैं एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा साइलेंट कर ही देता हूं। साइलेंट कर दीजिए तो हमें वीडियो में डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। एक सेकंड सर। और भाई मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, जो भी लोग पूछते हैं भैया ग्राफ क्या होता है, तो भैया इस ग्राफ को बेसिकली भैया ऐसे ही रखा जाता होगा या ऐसे करके कैसे रखा? इसके भी मेजरमेंट जो है अलग तरीके से है, ओके। इसमें पूरा गाइड किया हुआ है कि आपको जो है इंडिकेटर लाइनिंग से कहाँ पे इसको रखना है, ओके। इंडिकेटर है, ठीक है। और ऊपर की जो पोजीशनिंग है और इसकी पोजीशनिंग, ये दोनों प्लस को हमें मिलाना होता है, तब वो जगह गलत कट गया तो डैशबोर्ड भी खराब। और भैया इससे कटिंग किस चीज से होती है, कोई मशीन होती है? इसके पहले जो इसके ऊपर जो है लेदर लगा होता है, फोम लगी होती है, उसको हम ब्लेड से कटिंग करके मार्किंग ले लेते हैं, ठीक है। फिर वो लेदर हट जाता है, फिर नीचे प्लास्टिक पार्ट रहता है, उसको मशीन या कटर से काट देते हैं। ग्राइंडर की ग्राइंडर से भी काट सकते हो, स्पेशल टूल्स भी आते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने पहला तो 2005 वाला दिखा दिया, इसके बाद कौन से मॉडल? सेम ईयर की गाड़ी है। अच्छा, सेम ईयर की गाड़ियों में चलते हैं, थ्री सीरीज है दोनों, ठीक है। थ्री सीरीज लगा सकते हो, ईयर्स में आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक आया था अपना E92 E90 में ही, ये आप लोगों को मेरे पास जब BMW आती थी, है? हाँ। जब मैंने 5 सीरीज ली थी जिसको छत्ते वाली बोलते थे। जी, 5 सीरीज और 3 सीरीज में कॉमन होती है फिटिंग इनकी, ठीक है, छत्ते वाली बोलते थे। ये छोटी स्क्रीन है 8.4 इंचेस की, और ये भी क्वालकॉम 4GB 64GB स्टोरेज में, ठीक है भाई। और ये आप लोगों का भाई सबसे सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो E90 बोल के गाड़ी बिकती थी ना, वो इसी के ऐसे बिकती थी। और भाई अगर आप लोग देखोगे ये प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं जो सुनवाई ना हो, एक साल के सबकी सुनवाई है। मेरे पास 2017-18 में भी जो सिस्टम लगाया था ना, अगर वो भी आके सर्विस मांगते हैं, कोई पार्ट्स मांगते हैं तो हम लोग देते हैं भाई। ये देखो, ये एक प्यार मोहब्बत है भाई आप लोगों का, और इस चीज़ के लिए हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी जो है वो बहुत काम है इस चीज़ को लेकर। हम किसी स्टीरियो को आज ऑन करके दिखाएंगे? वैसे दिखा देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आप लोगों को चॉइस जरूर जो है इसमें चेकआउट करा देंगे। जो अभी जो ज़्यादा चल रही है गाड़ी 2013-17 के बीच में, वो है आपकी F30, ठीक है, F30। तो अब मैं उसकी आपको फोटो दिखाता हूँ। और F30 वो है जो आप लोगों को पता होगा, अगर डीजल गाड़ी है तो दिल्ली के अंदर तो थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है, तो लोग इसको बाहर आफ्टर मार्केट में परचेस करते हैं। क्या स्क्रीन साइज है सर इसका? ये भी 10.25 इंचेस है विद एप्पल कारप्ले, ठीक है, इनबिल्ट वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस, सब में वायरलेस, सब में वायरलेस है, सब में वायरलेस है, कोई वायर नहीं है। और इसका स्क्रीन क्या रहता है सर, ये क्वालिटी? अपना सर अपना मान के चलो फुल HD स्क्रीन है, 1920x720 है, ओके। और उसके बाद में क्वालकॉम से नीचे हम प्रोसेसर यूज नहीं करते, नहीं करते हम लोग। वेरी नाइस, इनबिल्ट 360 फीचर है इसके अंदर, इनबिल्ट 360 12.5 इंच के अंदर आता था पहले, ओके। और तो मतलब अगर टेम्पटिंग वाला देखोगे जो अभी करंट में है, तो वो एक ऑप्शन ये है पास से, अगर तंजीत दिखाएगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा क्या ओपन कर रहे हैं सर आप? अब मैं इसी गाड़ी में बड़ी स्क्रीन चाहते हो आप, ठीक है, तो इसमें बड़ी लो आप। ये इसका पैनल हो गया, ओके। अच्छा, ये क्या कटिंग करके लगता नहीं, है कैसे? कुछ नहीं काटना सर, OEM फिटिंग पे। अच्छा, देखिए आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो ये पीछे से और यहाँ से सेम लग रही है ये, ओके। हाँ हाँ, ठीक है, उसी जगह पे ये लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे लग जाएगी आपकी बड़ी स्क्रीन। ओ भाई साहब, चेक दिस आउट गाइस, ये एक बड़ी ही जरूरी और आप लोगों को पता होने वाली चीज है, ठीक है भाई, जो आपको पता होनी चाहिए। ये, ये हो गया आपकी बड़ी स्क्रीन, ठीक है भाई। अब करंट में जितने भी लोगों के पास F30 है, ठीक है भाई, तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, और एक बिग साइज रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, तो मुझे लगता नहीं है ज्यादा कोई आपको समझा सकता है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज विद बिल्ट 360 डिग्री कैमरा, न्यू यूजर इंटरफेस UI8 के साथ आता है, वेरी जो नई वाली इसको BMW हम प्लेस रहने देते हैं यहाँ पर ना, क्योंकि मैं अभी आपको AC कंसोल्स और वो भी चेक कराऊंगा।
तो हमारा पहले गाड़ी के लिए, इसी गाड़ी के लिए अब हम लोग F30 के हिसाब से बात कर रहे हैं, F30 के हिसाब से, ठीक है, F30 के हिसाब से बात करते हैं। सर दिखाओ ना एक बार बॉक्स, दिखा दो ये देखा, ये भैया ने खोला बॉक्स सफेद रंग का। ऑफ कोर्स ही बात है भाई, हमारी अपनी मोनोपोली है प्रोडक्ट्स को लेकर, और इसमें हम लोग जो ओपन करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, इसको बोलते हैं, ये आजकल देख रहे होंगे ना भैया, देखो ओल्ड शेप को न्यू शेप बना दिया, तो भैया ये सारा माल यहीं से जा रहा है भाई, ध्यान रखना आप लोग। और ये जो प्रोडक्ट है आप लोगों का, वेरी नाइस भाई। और भैया ये जो एसी कंसोल है, ये पूरा एलईडी लाइटिंग के साथ में, मतलब इसके सारे बटन ग्लो करते हैं, यस बटन सारे काम करते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें वॉइस कमांड भी है, हे बीएमडब्ल्यू बोल के आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, हे बीएमडब्ल्यू टेम्परेचर डाउन कर सकते हो, गाना चेंज कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो, स्टीरियो से सिंक रहती है। और भाई ये तुम अगर नेक्स्ट चीज देखोगे, कोई नहीं बताता सर, ये माइक भी इसमें देख लो भाई इधर, और ये आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आ गया। सर ये एक चीज बताओ, ये तो लाइनेक्स होते हैं, गेस लाइनेक्स, टोटल लाइनेक्स, ये तो हम ऑन करके दिखा नहीं सकते सर, बिल्कुल दिखा सकते हैं, सारा सोल्यूशन है अपने पास, इसको ऑन करके दिखा सकते हैं, यहाँ स्पीड उठा के दिखा सकता हूँ इसकी। क्या बात कर रहे हो, यहीं पे सारी जो लाइटिंग फीचर है सर दिखा सकता हूँ यहीं पे भाई साहब। तो भाई मेरे को लगता है आप लोग एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो में ऐसे नहीं दिखाऊंगा एक एक प्रोडक्ट, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा प्रोडक्ट कैसे ऑन हो रहे हैं। अरे तो भैया क्रेजी चीज़ होगी, तो मतलब मोटे मोटी बात है, अगर आपके पास एक 3 सीरीज गाड़ी है, अगर आप मेंटेन कर रहे हो और आप उससे थोड़ा सा उब गए थे, तो भैया आपके लिए एक अफोर्डेबल चीज़ अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो ऑडियंस पूछती है कि यार भैया यार हम लोगों को ना कुछ बढ़िया चॉइसेस चाहिए, और हमने जो है प्लान किया एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ले, तो उसके लिए हम अपग्रेड अवेलेबल करा देंगे। और आप लोग जो चाहो, अभी तो ये केवल ये दिखाया, आज बंपर ऑफर कर दो भैया, स्टेरिंग दिखाओ यार, अभी मैं वो भी दिखा, साथ में एक स्टेरिंग भी दिखा देते हैं। अब पुरानी गाड़ी 90 वाले कस्टमर कहेंगे भैया आपने इसका तो मीटर लिया है, मेरी गाड़ी का मीटर तो E90 का मीटर है ना सर। ओ भाई साहब, भाई आप लोग देख रहे हो मतलब हाइपरसोनिक किस लेवल पे वर्किंग कर रहा है, तो हम लोग सिग्मा बन चुके हैं भाई, अब हम वर्किंग करते करते सिग्मा बन चुके हैं, नेक्स्ट लेवल में हम आप लोगों को लेके आ चुके हैं। एंड प्रेजेंटिंग यू ऑल, अगर आप लोगों के पास ओल्डेस्ट ही बोलूंगा इसको तो मैं, ठीक है भाई, अगर आपके पास ओल्डेस्ट वाली BMW 3 सीरीज है, तो वी हैव द सॉल्यूशन। केरला से, साउथ से कितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चेक दिस आउट। और आपको ऐसा लग रहा होगा ये केवल ऐसे डमी में दिखा रहे हैं, अपनी दुकान में बुलाने के लिए कर रहे हैं, भैया ऑन करके दिखाएंगे, बिल्कुल दिखा देंगे सर, है ऑन करके दिखाएंगे, बिल्कुल दिखा देंगे भाई साहब। और बताओ भाई आप लोगों को कैसी, भैया एक स्टेयरिंग भी दिखा दो यार अब, और ये दिखा दो कि क्या वो हर BMW की गाड़ी में लग सकता है। BMW गाड़ी के हिसाब से इनके अंदर मॉड्यूल्स देने पड़ते हैं अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे अभी लोगो लगेगा, ओके, यहाँ पे भी यहाँ पे लोगो लगेगा एक, ये पूरा कम्प्लीट रेडी हो जाएगा, ठीक है भाई। जिनको एम स्पोर्ट्स पता है ना भाई, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और ये इसका इसका आगे ये एयरबैग भी होता है भैया, ये एयरबैग है प्रॉपर, मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ओरिजिनल का एयरबैग लगाते हैं, हम लोग ऊपर एयरबैग दे रहे हैं, ठीक है भाई। एयरबैग की भी एक पहचान होती है, वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पहचान के उससे कई सारे लोग, उससे हम लोग जो है लोगों को चीजें बताते हैं अच्छे से, अगर वो हम इधर डिस्कस करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये आप लोगों का कार्बन फाइबर वाला फिनिश जो है पूरा देखने को मिल जाएगा, सिल्वर फिनिश है, इंसर्ट्स आप लोग देख सकते हो, वेरी नाइस है। और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है भाई, मतलब एक है ये, मतलब एक फ्रेम में रखने वाली चीज़ है, मतलब कि आपको मजा आएगा ये चीज़ देख के। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके प्रोडक्ट्स ऑन करते हैं, फिर आपसे और बात करेंगे। भाई दिलीप भाई ऐसी चीज़ ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पहले कौन सी गाड़ी है, F30 के लिए पहले? हाँ, F30 के लिए दिखा रहा हूँ। कस्टमर कहते हैं कि कैसा दिखता है अंदर से इंटरफेस इसका, ठीक है, और लोग कहते हैं ना आपको लगवाना ही पड़ेगा, हम वैसे नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो ऑन कैसे करेंगे। देखो मैं आपको यहीं पे सारे इसके मोड्स भी दिखाता हूँ भाई, चेक दिस, कंफर्टेबल मोड्स, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी मोड्स, ओह माय गॉड भाई, ठीक है, उसके बाद ये लीजिए, इसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड भी भैया स्पीड बढ़ रही है कहीं से, लुक लाइक कैसा आएगा अगर मेरा RPM बढ़ेगा या मेरी स्पीड, तो ऐसा लुक आएगा। 250 की स्पीड पे पहुंच गए तंजीत हम लोग अभी, ठीक है। स्पीड वार्निंग दिखा रहा, देखो 120 इसको सेट कर सकते हो आप, कितनी पावर रखनी है, ये ऑन होने पर कैसा दिखेगा। ओ भाई देखो आप लोग, गाइस ये एक ऐसी टेम्पटिंग चीज है जो आज के टाइम पे हर कोई मांगता है भैया, इसका ये फ्यूल वाला चीज, लाइटिंग जितनी गाड़ी में लाइटिंग्स हैं क्या क्या इंडिकेट करेंगी, वेरी नाइस है, सारी चीजें इसमें दिखेंगे। फ्यूल बढ़ाना है आपको, येलो सर फ्यूल बढ़ा दिया, फ्यूल बढ़ गया भाई, कितना चाहिए देखेगा, टेम्परेचर भी दिखेगा, ऑयल टेम्परेचर भाई साहब, वो देखो ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल, और ये यहाँ पे दिखाएगा कि आपको कितनी मेंटेनेंस, जो ओरिजिनल दिखाती है कितने किलोमीटर के बाद करना है आपको चेंज, ठीक है, ऑयल वगैरह। तो ये भैया जो डेटा है सारा हमारा कैन से उठा लेगी, सारा गाड़ी के कैन से उठाएगा, यहाँ पे फोटो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे आप मान के चलो कलर कुछ और है गाड़ी का, ऑप्शन चाहते हो वो ऑप्शन दे दूंगा मैं, और फ्यूल इन्फॉर्मेशन पूरी गाड़ी की। और उसके आगे जाते हैं अगर हम, तो ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, रिफ्यूलिंग है, जो जो मीटर्स के अंदर फीचर होते हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये पार्किंग मोड पे जैसे P है दिखेगा, रिवर्स पे, फ्रंट ड्राइव पे अपना D दिखेगा, टाइमिंग सेट कर सकते हो, डेट एंड टाइम वगैरह, और ऑडोमीटर भी कस्टमाइज कर सकते हो इसका। तो भाई तुम मतलब सोच रहे हो ना जो, वो हम कर चुके हैं, अब तुम ये समझने की जरूरत है, जो तुम सोच रहे हो वो हम कर चुके हैं। तो भाई अगर आप लोगों के पास F30 है, और भाई मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग केवल माल बेच नहीं रहे हैं,
ये कोई वो सीन नहीं है कि ऑनलाइन दुकान है भेज दिया इधर कर, भाई हम इंस्टॉल करके देते हैं, इंस्टॉल करके देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट है। बिल्कुल, मान के चलो अगर किसी ने दुकानदार ने लगा दिया, वो कहते हैं कस्टमर की मुझे थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, कस्टमाइज चाहिए इसमें, ठीक है, या गाड़ी का कलर मेरे को दूसरा चाहिए, ठीक है, या 3GT की जगह दूसरी गाड़ी दिख रही हो चाहिए, तो वो सारी टेक्निकल सपोर्ट होते हैं, हम लोग देते हैं करके, ठीक है भाई। दूसरी बात, इसको लगा तो कोई भी देता है, फिट कर देगा, कपलर टू कपलर है, ठीक है। अब गाड़ी जो इंडिया में है BMW 3 सीरीज, उसका फ्यूल टैंक कितने लीटर का है, बाहर कितने लीटर का है, ये सेट करना पड़ता है, करना, उसके बाद डोर इन्फॉर्मेशन सेट करनी इसकी, नहीं तो आपकी गाड़ी फुल टैंक होगी, दिखाएगी यहाँ पे हाफ टैंक, ऐसा होता है, बिल्कुल होगा, जब तक आप उस गाड़ी के हिसाब से सेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है भाई। आप लोगों को समझ आ चुका है एंड आई होप आप लोगों को मजा आया। नेक्स्ट, हमारी ओल्ड जितने लोगों के पास BMW है उनके लिए जो है एक बड़ा ही कहते ना कि खत्म, जो लोग बोलते हैं गाड़ी बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यूनिवर्सल नहीं है ये कि आपको फ्रेम दे के मैंने लगा दिया, लोगों को लग रहा होगा हमने स्विफ्ट का लगा दिया, इंटीग्रेटेड, इसलिए कॉस्टली है। बिल्कुल भाई, और ये आप लोगों का मेड फॉर BMW है। यस यस, ये नहीं किसी गाड़ी में लगा लोगे, देख लो भाई आप लोगों के सामने लाइव है, और यहाँ पर स्टीरियो ऑन हो रहा है हम लोगों का, और एक एंड्रॉयड फोन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, टच का रिस्पॉन्स इज फिनोमिनल, अगेन लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड, वो कोई इतनी बड़ी चीज है ही नहीं भाई, यहाँ से देख के जज मत करना कि मार्केट में सस्ता स्टीरियो है, वैसा ही है, ये चीज अलग है, कैन डाटा अलग होता है, सब कुछ इसमें, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया पहला डिवाइस। अब भैया कौन सी डिवाइस ऑन कर खा रहे हो, ये भी प्लग एंड प्ले ऑन हो जाएगी? नहीं, इसके लिए मुझे वायरिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई, स्टे ट्यून्ड रहो। हमारा एक और डिस्प्ले ऑन हो चुका है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेजर जो नीड थी वो इसकी थी, और इसकी थी, और ऑफ कोर्स ही बात है उसकी, क्योंकि वो साइज़ तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। लेकिन भाई चेक दिस आउट, मतलब आप जो सोच रहे थे ना, वो सोच से कहीं ना कहीं ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ आप लोगों को, चीज़ें लग जाएंगी साथ में तो कैसा लगेगा, ये आप लोगों का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हो गया, और ये आप लोगों का एंड्रॉइड स्क्रीन, या फिर आप लोगों का जो स्टीरियो है वो यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है, UI 8 लेटेस्ट, क्रेजी यार, बहुत ही सेक्सी लग रहा है। और इसमें अगर कोई 360 लगवाना चाहे हमसे, इनबिल्ट फीचर है 360 का सर, इनबिल्ट 360 लग जाता है इसके अंदर, 360 पूरा कैमरा लगने के बाद पूरा ऑन हो जाएगा, टच स्क्रीन ऑपरेटेड होगा, इंडिकेटर देंगे, इंडिकेटर पे आएगा, रिवर्स पे भी आएगा, 12.5 इंच के अंदर, 10.25 इंच में कुछ गाड़ियों के अंदर ऑप्शन है, ठीक है। और जो आपके ओरिजिनल फीचर्स होंगे वो तो ऑफ कोर्स ही बात है, वो तो कार में दिखाएंगे, ठीक है भाई। वीडियो की क्वालिटी भी चेक कर लीजिए भाई, आप लोगों के सामने लाइव है। और अभी मेरे को पता है कुछ लोग कह रहे होंगे, यार भैया हमने तो आगे बैठ के नहीं चलना इतना, हम तो बस गाड़ी को अच्छा बना के रख रहे हैं कि लोग देख ले, तो वो कहेंगे भैया रियर इंटरटेनमेंट के लिए क्या है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये हमारा एंड्रॉइड कौन सा रहता है सर? 8 एंड्रॉइड दिखाता हूँ आपको सर, इसके अंदर ये भी बता दो कौन सा है। ये सर एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन है, ये सर यहाँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, एंड्रॉइड वर्जन 14। अच्छा 14 है, मैं 8 बोल रहा था क्या, अच्छा ओके 14 है। और भैया इसमें जो अपडेट्स होते हैं, ये अपडेट आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, ये फैक्ट्री डिपेंड करता है कि क्या अपडेट्स कर रही है, तो फिर वो हमें प्रोवाइड कराती है, हम कस्टमर को देते हैं, ठीक है भाई। ये आप लोगों का हो गया फ्रंट का एंटरटेनमेंट, आपको मजा आ गया, इसको यहाँ पर ऑन किया जा सकता है, लेकिन मैं ऑन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें केवल स्क्रीन दिखती है, मतलब सीटें बनी रहती है, जैसे ये फीचर्स हैं ये सब नहीं होंगे जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। इस पर वर्किंग चल रही है अभी, कि इसको भी हम लोग प्रॉपर वर्किंग दिखाएंगे, इसको घर पे हम अपने आप, क्योंकि हमारे को टेस्टिंग करनी होती है, हम तो ऑन कर ही लेंगे, लेकिन सिस्टम तो ऑन हो जाएगा ये, लेकिन आप यूज नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है भाई। अब भैया यार रियर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बताओ ना। रियर में तो सर हमारे पास में लग्जरी गाड़ी के लिए वैसे है तो 3 ऑप्शन, लेकिन रेकमेंड 2 करूंगा, ठीक है। ये हाइपरसोनिक की 13.3 इंचेस है, और एक आती है 12.5 इंचेस, ठीक है। इसके अंदर हम आपको आपके गाड़ी के ब्रांड का लोगो भी दे सकते हैं, ओके, ऑन होने पे। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई लग्जरी गाड़ी में लगा रहे हैं आप इसे, ठीक है, या आप किसी टोयोटा में लगा रहे हैं, तो मेरे को तो बता दो क्या वो HDMI वाली चीज हो सकती है? HDMI वाली तो इसमें कॉमन है सर, 12.5 इंच हम देते हैं, ओके। तो हम इसमें थीम भी उस गाड़ी की दे देंगे, अगर ऑडी में लगा रहे हैं ऑडी की थीम दे देंगे इसमें, अच्छा। BM लगा रहे हैं, BM का बिजनेस क्लास BM है, बिजनेस क्लास मर्सिडीज है, तो उसकी थीम भी इसके अंदर दे देंगे। वेरी नाइस भाई। और आप स्क्रीन देखो पहले विद एम्बिएंट लाइट। और भैया आजकल जो ये थारो वारो में लग रही है वो यही वाली स्क्रीन लगती है क्या इतने साइज की? मतलब ऐसी 13 इंच है, थार के अंदर सर 13 इंच लगा सकते हैं, लेकिन वही बात हो जाएगी, गाड़ी तो बड़ी है लेकिन अंदर छोटी है, ठीक है। तो अंदर फिर इतनी बड़ी स्क्रीन बिल्कुल सामने आ जाएगी, सामने आपकी आंखों के। ये बड़ी ऊंची गाड़ियों के लिए होता है या सेडान लंबी, और इसमें एम्बिएंट भी जलती है ना? इसमें सर यहाँ पे भी अपना फंक्शनिंग लाइट है, और यहाँ पे एम्बिएंट है 7 कलर की, जो टच स्क्रीन से आप ये भी ऑन की जा सकती है। हाँ ऑन कर सकते हैं हम, इसे ऑन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है भाई। आप लोग ऑन करके दिखाता हूँ, तो आपको फ्रंट एंटरटेनमेंट भी पता चल गया, रियर एंटरटेनमेंट भी पता चल गया, तो आई होप कि आप लोगों का अच्छा आइडिया है। हमारा स्वागत हो चुका है, नीचे एम्बिएंट फ्लोटिंग वाली हाइपरसोनिक की ब्रांडिंग, नीचे एम्बिएंट लाइट, इट लुक सो नाइस। और मैंने अपनी किया सेल्टॉस में लगाया था, जितने बंदे पीछे बैठे उतने बोलते थे भाई मजा आ गया बैठ के, अपना हॉटस्पॉट बनाओ, कुछ भी देखते रहो। और भैया इसमें एक चीज बताओ, ये नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो सब चलता है? सब चलता है सर, हेडरेस्ट की बनी इसी के लिए कि इसमें सारे फीचर चले, ठीक है। और इसमें सर रैम क्या होता है, क्या होता है थोड़ा इसमें सर? अपना 3GB रैम होती है, ठीक है, और 16GB स्टोरेज होती है। ये इसका इंटरफेस है, वीडियो चलाओ ना सर, वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ आपको सर। ये देखिए सर, ये आपका कन्फर्म
एंड चेक दिस आउट गाइस, आप लोगों को मजा आएगा। इसकी आवाज भी ऐसे कम हो जाती है ना, हाँ ऐसे आवाज कम हो जाती है इसमें, और आप लोग क्वालिटी चेकआउट करो। और मुझे पता है जितने भी लोग लग्जरी गाड़ी ओन करते हैं उनको पीछे की डिस्प्ले चाहिए होती है जब आप लॉन्ग ट्रेवल में कहीं पर हो। देखो सारी वीडियो क्रिस्पीनेस देखो भाई, वीडियो की सबसे मेन क्रिस्पीनेस है कि कितना क्रिस्प जो है आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को यही रहेगा, एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ऐसे होगा सर, ये होम, अच्छा ये वाला होम आया, ओके ठीक है। और इसमें कलर्स ऑप्शन भी हैं, आप चेंज कर सकते हो एम्बिएंट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई आप लोगों के सामने, वेरी नाइस। मतलब यार हम लोग बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, मतलब जहां तक लोग सोच रहे हैं अभी कि हम पहुंचेंगे, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। और आप ज़्यादा इस वीडियो को आज की इस बड़े ही नहीं करेंगे, आज मैंने आप लोगों को दिखाई थी BMW की 3 सीरीज की चॉइसेस, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया, चाहे आपकी ओल्ड वाली गाड़ी हो, चाहे आप लोगों की उससे अपग्रेडेड वाली गाड़ी हो ये वाली, या उससे अपग्रेडेड हो, या तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है, हमारे पास ऑफिशियली इंस्टॉल भी अवेलेबल है। तंजीत भैया हमको बोलते हैं कि हमेशा बताया करो लोगों को कि 360 इसके साथ इंक्लूडेड नहीं होता है। हाँ 360 अलग होता है, एडिशनल है चीजें वो आपकी, लेकिन लगा के ऐसा देंगे कि OEM लगेगा, मजा आ जाएगा, है मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो स्टे ट्यून्ड रहो, आप लोगों को मजा आएगा। दिलीप भाई ने हमको अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया, क्योंकि यहाँ पर जितना भी तुम लॉट देख रहे हो ना, ये खाली डिब्बे नहीं है। कई सारे लोग आजकल अपने वेयर हाउसों में ले जाके खाली डिब्बे दिखा रहे हैं। जितने आप डिब्बे देख रहे हो ना, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां खड़ी है, अलग-अलग गाड़ियां हैं ये, ठीक है भाई। तो ये आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं 5 सीरीज रेंज रोवर्स, और मतलब जैसे ऐसे हो सकेगा हम आपके शेयर ब्रांड वाइज आपको। हमने लैंड क्रूजर दिखाई थी, मेरे को भी स्टीरियो यहाँ कुछ दिखा, लैंड क्रूजर ये था क्या कुछ? लैंड क्रूजर LC के तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ भी है और पड़े, ये देखना भाई, ये देखो टोयोटा LCR 2016-20, इसमें कन्वर्जन भी है अपने पास, 2000 अपना जो 8-15 में आती है उसके अंदर आपको सिर्फ हेड यूनिट कन्वर्ट करना है बड़ी नई वाली में, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास, ठीक है भाई। तो देख लो भाई, जब आप आ रहे हो राजा के पास तो राजा वाला ही काम होगा, ठीक है भाई। मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड ये बार ऐसे कर दीजिए भैया, बाय बाय।